अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। ये एक फोटो देखें जी, ये जो है ना शायद सही नजर आ रहा है कि नहीं। बहरहाल सीन क्या है कि अच्छा मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये वो सुबह से जो है ना एक खबर चली है जी कि मोबाइल मैपिंग सिस्टम जो है ना ओमान गवर्नमेंट ने ले लिया है। तो भैया वो गाड़ियों में मोबाइल यूज के मुतल्लिक नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना वो इसी शशोपंज में हैं कि शायद जो है ना अब ओमान ने भी बाकी मुल्कों की तरस पर जो है ये गाड़ी में अगर कोई मोबाइल यूज़ करता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सिस्टम ले लिया और वो पकड़े जाएंगे। वैसे इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए गाड़ी चलाते हुए मोबाइल, लेकिन क्या के ये सिस्टम जो है ये मोबाइल मैपिंग सिस्टम है जो कि सर्वे के लिए यूज़ होता है। जो लोग सर्वे के मतलब जानते हैं ना, जियोग्राफिकल सर्वे, आपको किसी भी चीज़ के मतलब को सर्वे करना है, रोड बनानी है, ट्रेन चलानी है, जमीन के ऊपर जमीन के नीचे, तो ये जो है सेंटीमीटर तक आपको जो है ना एक्यूरेसी देता है ये सिस्टम जो है। इसमें बहुत सारे रडार्स, लेजर, कैमरे शैमरे लगे होते हैं और 360 व्यू जो है ये कैप्चर करता है सिस्टम। तो ये एक्चुअली गाड़ियों के ऊपर नसब होता है, जिस तरह गूगल या दीगर मैप वाली जो है ना अथॉरिटीज कंपनियां जो हैं वो जब डाटा कलेक्ट करती हैं, उन्होंने मैप शैप बनाने होते हैं, तो उनकी गाड़ियां यहाँ पे गर्दश कर रही होती है। मैंने वो वीडियो बनाई है, लेकिन वो मैं किसी डर की वजह से पोस्ट नहीं कर रहा, गूगल की गाड़ी की ना तो वो टाइम टू टाइम जो मैप अपडेट करते हैं, उनकी गाड़ी फिर रही होती है, उसके ऊपर कैमरे कैमरे रडार लगे होते हैं, वो हर गली मोहल्ले से गुजरती है, तो वो मैप जो है फिर वो बाद में अपडेट होते हैं। बहरहाल तो ये भैया गाड़ियों में मोबाइल यूज करने वाला जो है सिस्टम नहीं है, ये जो सर्वे के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूज करेगी, और जो भी डाटा कलेक्ट होगा वो फिर रेलिवेंट अथॉरिटीज जो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी आप खबर की डिटेल जो है वो पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर में आई हुई है। और अगर कोई सिविल सर्वेयर जो है वो कोई हमारी वीडियो देख रहा है तो वो आपको सर्वे के मतलब भी डिटेल में बता सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।